नमस्कार, मैं हूं दिव्या, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 अक्टूबर दिन शुक्रवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 10वीं 12वीं के लिए सेंटअप परीक्षा की डेट सीट जारी। 19 से 22 के बीच मैट्रिक और 11 से 18 नवंबर के बीच 12वीं की होगी परीक्षा। दो पालियों में परीक्षा का होगा आयोजन। शिक्षकों और कर्मियों के लिए सर्विस बुक तैयार। इसमें शिक्षकों की होगी व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारी। प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ होने पर होगी कार्रवाई। वाहन मालिक घर बैठे मोबाइल नंबर करें अपडेट। परिवहन विभाग ने जारी किया QR कोड। जाने QR से नंबर अपडेट करने का तरीका। रैयतों के लिए आवश्यक दस्तावेज। वंशावली पर शपथ की जरूरत नहीं। टोल फ्री नंबर 1800-345-6215 उपलब्ध। बिहार में ओडिशा बंगाल के चक्रवाती तूफान का असर। प्रदेश में कई जिलों में बारिश की संभावना। मेघ गर्जन या वज्रपात की संभावना के बीच येलो अलर्ट जारी। त्योहारों में बैंकों में छुट्टी। 26, 27 और 31 अक्टूबर को बंद रहेंगे बैंक। छुट्टियों से पहले निपटा ले बैंक संबंधी कार्य। वॉशिंगटन सुंदर का शानदार प्रदर्शन। सुंदर ने लिया 59 रन पर 7 विकेट। भारत ने पहले मैच में 259 रन की पहली पारी समेटी। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। देश भर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 13 नवंबर है। ये भर्ती कुल 1500 पदों पर निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को जरूरी है कि उन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पास किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन एग्जाम, स्क्रीनिंग टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2025 में होने वाली मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए सेंटअप टेस्ट की डेट शीट जारी कर दी है। मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 19 से 22 नवंबर के बीच होगी, जबकि इंटर की परीक्षा 11 से 18 नवंबर को आयोजित की जाएगी। सेंटअप परीक्षा में सफल होने वाले छात्र को ही वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। मैट्रिक परीक्षा में 19 नवंबर को मातृभाषा और दूसरी पाली में भारतीय भाषाओं की परीक्षा होगी। इंटर परीक्षा में 11 नवंबर को फिजिक्स, फिलोसफी और एंटरप्रेन्योरशिप की परीक्षा होगी। सभी परीक्षाएं दो पालियों में होगी, जिसमें पहली पाली सुबह 9:30 से दोपहर 12:45 तक, दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम के 5:15 तक आयोजित होगी। बिहार में सभी शिक्षकों और कर्मियों के लिए ई सर्विस बुक तैयार किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ऐसी बुक सर्विस में शिक्षकों की व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारियां जैसे नियुक्ति, वेतन, प्रोन्नति, स्थानांतरण और शैक्षणिक प्रमाण पत्र शामिल होंगे। इसका उद्देश्य ये है कि किसी भी अधिकारी द्वारा किसी भी समय प्रमाण पत्रों की जाँच की जा सके। शिक्षकों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी होगा, जिसमें उनकी थंब इम्प्रेशन और ऑनलाइन परीक्षा के दौरान लिया गया फोटो शामिल रहेगा। यदि किसी शिक्षक के प्रमाण पत्रों में छेड़छाड़ पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार की नदियों को साफ करने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत राज्य में चलने वाली नावों को डीजल से हटाकर CNG और सोलर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बदलाव के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। डीजल से चलने वाली नावें जल और वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं, जिससे जलीय जीवों को नुकसान होता है और कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को हरित नौका योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिसे बिहार में भी लागू किया जाएगा। ये पहल नदियों के पानी की गुणवत्ता को सुधारने, वायु प्रदूषण कम करने और दीर्घकालिक लागत घटाने में सहायक होगी, जिससे पर्यावरण को लाभ होगा। बिहार में अब वाहन मालिक अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड में मोबाइल नंबर घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। परिवहन विभाग ने इस प्रक्रिया के लिए QR कोड जारी किया है, जिसमें 5 सरल स्टेप्स और इसके फायदे बताए गए हैं। ये जानकारी सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित की जाएगी, ताकि लोग जल्दी से अपडेट करा सकें। यदि रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो वाहन जाँच के दौरान जुर्माना लगाया जाएगा। मुजफ्फरपुर में इसकी शुरुआत की गई है। अपडेट करने के लिए QR कोड स्कैन कर
RTO चुने, जानकारी भरे और मोबाइल नंबर अपडेट करें। इससे वाहन मालिकों को सभी जरूरी सूचनाएं और अलर्ट आसानी से मिलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकल्प में रिमोट का बटन दबाकर 7,160 करोड़ रुपए की लागत से 2,615 पंचायत सरकार भवनों और अन्य केंद्रों का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि पंचायत सरकार भवनों का निर्माण ग्राम पंचायतों में किया जाएगा, जिससे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने जून 2025 तक सभी भवनों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि राज्य में 1,09,321 वार्ड में 11,75,740 स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य चल रहा है, जिसमें 3,75,000 सोलर लाइटों का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पंचायती राज विभाग के कार्यों पर एक लघु वृत्त चित्र प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में कई अन्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सरकारी विद्यालयों के निरीक्षण में सुधार लाए। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों में निरीक्षण के बावजूद मीडिया में विद्यालयों की कमियों की रिपोर्ट आ रही है, जो गंभीर समस्या है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि विद्यालयों में अनावश्यक सामान का पाया जाना अवैध कब्जे का संकेत है। अपर मुख्य सचिव ने चेतावनी दी कि यदि निरीक्षण सही ढंग से नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आउटसोर्सिंग से कार्यरत कर्मचारियों की लापरवाही पर बर्खास्तगी की सख्त बात भी कही गई है। सभी डीओं को विद्यालय प्रबंधन में सुधार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के सितंबर 2024 की रैंकिंग में बक्सर और सुपौल जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बक्सर जिला बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है, जबकि सुपौल ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में प्रथम स्थान हासिल किया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुसार रैंकिंग जिले की उपलब्धियों के आधार पर तय की जाती है। बक्सर, जहानाबाद और बांका क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। यह अधिनियम नागरिकों को समय पर सेवाएं और पारदर्शिता के साथ अधिकार देता है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां लोक शिकायत निवारण का यह अधिकार लागू है। बिहार में जमीन सर्वे के दौरान संबंधित जमीन मालिक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। हालांकि किसी की मौजूदगी से सर्वे कर्मियों को भूखंड पहचानने में मदद कर सकती है। रैयतों को कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जैसे स्वघोषणा प्रपत्र 2 और खतियान रैयत या जमाबंदी रैयत के लिए प्रपत्र 3(1) में वंशावली तैयार कर अपलोड करना। यदि जमीन क्रय, बदलैन या दान की है तो दस्तावेज की फोटो प्रदान करनी होगी। अगर किसी में कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट के आदेश को भी फोटो संलग्न करनी होगी। बंदोबस्त भूमि या भूदान प्रमाण पत्र की फोटो भी जरूरी है। वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ देना जरूरी नहीं है और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर भी जरूरी नहीं है। समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-6215 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार को कई बड़े तोहफे मिले हैं। सरकार ने बिहार के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर मुहर लगाई है। विशेष रूप से यूपी के अयोध्या से सीतामढ़ी तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही नरकटियागंज रेल लाइन का दोहरीकरण भी किया जाएगा। इससे नेपाल और पूर्वोत्तर भारत के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इन प्रोजेक्ट्स को अगले 4 सालों में पूरा करने का लक्ष्य है, जो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले होंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को भी महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा, साथ ही मुजफ्फरपुर जिले को भी लाभ मिलेगा। कुल 4,553 करोड़ रुपए की बजट में ये परियोजनाएं लागू होंगी। नालंदा जिले के राजगीर में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। 11 से 20 नवंबर तक होने वाली इस प्रतियोगिता में एशिया की 6 प्रमुख टीमें भारत, चीन, मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया व थाईलैंड शामिल होंगे। जिलाधिकारी शशांक शुभांकर के नेतृत्व में शहर को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सजाया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जल टंकियों और बाउंड्री वॉल का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। यह आयोजन न केवल बिहार के लिए गर्व का अवसर है, बल्कि राजगीर के पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। जिलाधिकारी ने कहा है कि हमारा लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे बिहार खेल मानचित्र पर अपनी पहचान बना सके।
शिक्षा विभाग ने राज्य में संचालित निजी विश्वविद्यालयों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। विभाग के अनुसार विश्वविद्यालयों को कुल नामांकित विद्यार्थियों में से 25% को फीस में छूट प्रदान करनी होगी। ये छूट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि 25% विद्यार्थियों में से 20% को फीस में पूर्ण छूट दी जाएगी, जबकि शेष छात्रों को 25% और 50% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालयों को अपनी गतिविधियों से संबंधित रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपने और समर्थ पोर्टल को लागू करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही विद्यार्थियों के प्रमाण पत्रों को नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में अपलोड करने के लिए भी कहा गया है। सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। ठंडे में सबसे मुश्किल होता है ठंडे पानी से नहाना, लेकिन इन दिनों अमेजोन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहे हैं, जहां आप महज 3,000 से 5,000 रुपए तक के अंदर में एक से एक ब्रांडेड गीजर खरीद सकते हैं। ठंडे में पानी, गर्म पानी से नहाने का मजा ही अलग होता है। इन गीजरों में क्रोमटॉम ग्रेस 5 लीटर जो 3,499 रुपए में है और प्रीमियम लुक व एलईडी इंडिकेटर के साथ आता है। दूसरा है ओरिएंट इलेक्ट्रिक कोरा रैपिड प्रो जो 59% छूट पर 3,299 रुपए में मिल जाएगा और रस्ट प्रूफ और 5.9 लीटर क्षमता के साथ आता है। अब है एओ स्मिथ EWS 5 जो 38% छूट पर 3,999 रुपए में स्वॉक प्रूफ और 5 लेवल सेफ्टी के साथ मिल जाएगा। वी गार्ड जियो जो 48% छूट पर 3,299 रुपए में है। बजाज स्काइप जो 52% छूट पर 3,699 रुपए में मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम के साथ मिल जाएगा। बात करते हैं पॉलीकैब इंटेंसो की जो 51% छूट पर 3,299 रुपए में 5 साल की वारंटी के साथ मिल जाएंगे। अगर आप इस बार ठंडे में ब्रांडेड गीजर की खरीदारी करना चाहते हैं तो विस्तृत जानकारी के लिए आप बिहारी न्यूज़ की वेबसाइट www.bihari.news/geezer पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में 26 अक्टूबर को रणजी ट्रॉफी का मुकाबला बिहार और कर्नाटक के बीच होने जा रहा है। इस मैच के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और बिहार टीम की घोषणा भी हो चुकी है। बीसीए के अनुसार हरियाणा और बंगाल के विरुद्ध घोषित टीम ही कर्नाटक के विरुद्ध मैच खेलेगी। 13 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल चुके हैं, वे बिहार टीम के साथ जुड़े हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शानदार 104 रन की पारी खेली थी। बिहार की टीम का नेतृत्व गेंदबाज वीर प्रताप सिंह करेंगे, जबकि कर्नाटक की टीम के कप्तान मयंक अग्रवाल होंगे। दोनों टीमों के खिलाड़ियों का प्रदर्शन इस मैच में दिलचस्प होगा। सतत व्यावसायिक विकास योजना के तहत शिक्षकों का सेवाकालीन आवासीय प्रशिक्षण 28 अक्टूबर से 9 नवंबर तक स्थगित रहेगा। ये जानकारी राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT ने पत्र के जरिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और संबंधित संस्थानों के प्राचार्यों को इस संबंध में अवगत करवाया है। दिवाली 31 अक्टूबर और छठ पूजा 6 से 8 नवंबर के अवकाश को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। स्थगित प्रशिक्षण की अवधि में 1 अप्रैल से 26 अक्टूबर 2024 तक हुए प्रशिक्षण की रिपोर्ट और व्यय का आंकड़ा भी मांगा गया है। सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का ये 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण विभिन्न सरकारी संस्थानों में संचालित होता है। बिहार को लेकर बैंकों में छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। ऐसे में अगर बैंक से जुड़े कोई जरूरी काम है तो आप उसे इन छुट्टियों में से पहले निपटा लें। 26 अक्टूबर को महीने के चौथे शनिवार और 27 अक्टूबर को रविवार के कारण देश भर के बैंक बंद रहने वाले हैं। वहीं 31 अक्टूबर को दिवाली, काली पूजा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती या नरक चतुर्दशी के कारण बैंक बंद रहेंगे। तो यदि इस महीने आपको बैंक से संबंधित कोई भी काम है तो इन छुट्टियों को ध्यान में रखकर ही पूरा करें। बिहार में शिक्षक बहाली TRE-4 को लेकर जल्द ही डोमिसाइल नीति लागू होने की संभावना है। ये जानकारी प्रसिद्ध शिक्षक खान सर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद दी है। उन्होंने बताया कि डोमिसाइल नीति लागू होने से बिहार के मूल निवासियों को प्राथमिकता मिलेगी, जबकि पहले बाहरी प्रदेशों के लोगों को भी भर्ती किया गया था। खान सर ने कहा है कि बाढ़ और छठ महापर्व के कारण नीति में देरी हो रही है, लेकिन त्योहारों के बाद काम पूरा होने का आश्वासन सरकार ने दिया है। इस बीच डोमिसाइल नीति को लेकर बिहार में सियासी विवाद चल रहा है और छात्रों को तैयारी जारी रखने की सलाह दी गई है। डोमिसाइल नीति का मतलब है कि केवल संबंधित राज्य के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे।
प्रदेश में उड़ीसा और बंगाल में आए तूफान का थोड़ा बहुत असर दिखने की संभावना है। इस चक्रवाती तूफान का असर प्रदेश के 13 जिलों पर पड़ सकता है। आज प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना भी जताई गई है। आज प्रदेश के दक्षिणी भाग में क्या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात और तेज हवा की संभावना के बीच येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और कुछ जगहों पर 28 से 30 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। बिहार में साइबर ठगों के बढ़ते आतंक के बीच भागलपुर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह पिछले 3 महीनों में करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका था। ठग सस्ते में मोबाइल नंबर खरीदकर लकी ड्रॉ ऑफर्स के नाम पर लोगों से पैसे ठगते थे। गिरोह के सदस्यों ने कई राज्यों के लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। पुलिस ने गिरोह के 10 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनके पास से बैंक खाते, सिम कार्ड और कई मोबाइल नंबर भी बरामद किए हैं। मामला तब उजागर हुआ जब पुलिस को एक शिकायत मिली, जिससे मदद से गिरोह का पता चला। बिहार में दिवाली और छठ महापर्व के मद्देनजर अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। इन त्योहारों के बीच विभाग ने पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और सुरक्षा के लिए 105 दमकल गाड़ियों की तैनाती की है। दीपावली पर पटाखों के कारण आग लगने की घटनाओं में इजाफा होने की आशंका रहती है, इसलिए आपात स्थितियों से निपटने के लिए करीब 250 कर्मी तैयार रहेंगे। पटना के अग्निशमन कार्यालय में 24 घंटे का कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा, जो तत्काल मदद के लिए तैयार है। विशेष निगरानी के लिए संभावित स्थानों पर कर्मियों को तैनात किया गया है। अग्निशमन कमांडेंट मनोज नट ने लोगों से सुरक्षित दिवाली मनाने की अपील की है, साथ ही बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वालों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बीते दिन गया के 2 विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन और एनडीए के प्रत्याशी नामांकन के लिए डीआरडीए भवन पहुंचे और नामांकन किया। हम की दीपा मांझी ने इमामगंज सीट से तो वहीं जदयू के मनोरमा देवी ने जदयू की मनोरमा देवी ने बेलागंज सीट से नामांकन किया। एनडीए प्रत्याशी दीपा मांझी के साथ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी उपस्थित थे। उन्होंने दीपा को कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए उनकी जीत का दावा किया। जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्होंने इमामगंज में शांति स्थापित की है, जिससे लोग चैन की नींद ले रहे हैं। दीपा मांझी ने कहा कि उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है और वे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देते हुए कहा कि उनके ससुर ने विकास के लिए बड़ा काम किया है और वे अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर उन्होंने विपक्ष पर अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया। क्या आपको सीआरपीएफ और एसआरपीएफ के बीच अंतर पता है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और एसआरपीएफ यानी राज्य रिजर्व पुलिस बल है। भारत में ये 2 महत्वपूर्ण पुलिस बल हैं, लेकिन इनके कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियां अलग हैं। सीआरपीएफ का गठन 1939 में हुआ था और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में कानून व्यवस्था बनाए रखना और आतंकवादी विरोधी अभियानों में भाग लेना और आपदाओं के दौरान लोगों को सुरक्षित करना है। वहीं एसआरपीएफ हर राज्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार गठित किया जाता है। इसका कार्य राज्य पुलिस की सहायता करना, दंगों को नियंत्रित करना और स्थानीय कानून व्यवस्था बनाए रखना है। संक्षेप में सीआरपीएफ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है, जबकि एसआरपीएफ राज्य स्तरीय कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए कार्य करता है। वॉशिंगटन सुंदर की शानदार गेंदबाजी से भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में 259 रन पर उनकी पहली पारी समेट दी। सुंदर ने 59 रन पर 7 विकेट लिए, जिससे उन्होंने लगभग 2.5 साल बाद टेस्ट टीम में अपनी वापसी पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। दिन का खेल समाप्त होने पर भारत ने 1 विकेट पर 16 रन बनाए, जिसमें शुभमन गिल 10 और यशस्वी जायसवाल 6 रन बनाकर क्रीज पर थे। न्यूजीलैंड के लिए डिवॉन कॉनवे ने 76 और रचिन रविंद्र ने 65 रन बनाए। भारत के रविचंद्रन अश्विन ने भी 3 विकेट लिए, जिससे उनकी विकेटों की संख्या 531 हो गई। इस टेस्ट में सभी 10 विकेट दाएं हाथ के ऑफ स्पिनरों ने लिए हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1924 में भारत में ब्रिटिश अधिकारियों ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल भेज दिया था। आज के दिन वर्ष 1951 में भारत में पहले आम चुनाव की शुरुआत हुई थी। आज के दिन वर्ष 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने संयुक्त राष्ट्र के 50वें वर्षगांठ सत्र को संबोधित किया था। आज के दिन वर्ष 1896 में मुकुंदी लाल श्रीवास्तव का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार और लेखक थे।
इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई जगहों पर फ्री स्कीम को लेकर खबरें वायरल होती रहती हैं। इन फ्री स्कीम्स का दावा केंद्र सरकार के नाम पर किया जाता है, लेकिन कभी भी आप इस तरह की फ्री स्कीम्स के झांसे में ना आए। अक्सर केंद्र सरकार से जुड़ी लुभावने दावे करने वाले स्कीम्स का पर्दाफाश पीआईबी फैक्ट चेक करता रहता है। इस तरह से लुभावने दावे फर्जी होने के साथ ही आपको वित्तीय नुकसान या डेटा लीक पर हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, आगामी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही उत्तर है गोवा। राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है पेंशन और पेंशनरों के कल्याण विभाग। इसका सही उत्तर है पेंशन और पेंशनरों के कल्याण विभाग। भारतीय नौसेना का नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है गांधीनगर, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? ऑप्शन ए है 3 लाख से ऊपर, ऑप्शन बी है 1 लाख से ऊपर, ऑप्शन सी है 4 लाख से ऊपर, ऑप्शन डी है 6 लाख से ऊपर। इसका सही उत्तर है 3 लाख से ऊपर। बिहार में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 70, ऑप्शन बी है 89, ऑप्शन सी है 59, ऑप्शन डी है 52। इसका सही उत्तर है 89। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है रवि कुमार राज, गुनर शर्मा, उमेश ठाकुर, दीपक कुमार, परमेंद्र कुमार, संजय कुमार शर्मा, अनुभव, अमरजीत कुमार, रवि कुमार राम, भरत कुमार, शिवचंद्र मंडल, शिव शक्ति, नंद कुमार, नौसाद राजा, राजीव कुमार, वेद प्रकाश, संदीप यादव, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, नरेंद्र कुमार। इसके साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके मुताबिक शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए या नहीं? जिला सहित अपने क्षेत्र का नाम जरूर लिखकर हमें कमेंट में बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।